वो गांव गलियों में, पहाड़ों में, जंगलों में नहीं घूम पाएंगे। डुमरी सीट हमारी परंपरागत सीट रही है, ये दोनों मिलके भी लड़े हैं तो भी हम लोगों ने हराया है इनको। वो धरती स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की धरती, जो प्रतिबद्धता, जो कुर्बानी उस क्षेत्र के लिए उन्होंने दी है, जो संघर्ष करके डुमरी को एक पहचान दिलाई है, और डुमरी का जनप्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने पूरे झारखंडियत की बात की, 32 खतियान को पुरजोर तरीके से उठाने वाला व्यक्ति जगन्नाथ महतो जी थे। विधानसभा में या सड़क से पर या सदन हर जगह स्थानीयता की बात करने वाले, कई एक और ऐसे काम उनके हैं। मुझे लगता है उनके चुनाव जब होगा डुमरी में तो पूरा 75,000 पारा शिक्षक उस क्षेत्र में कैंप करेगा उनके लिए, जो जन कल्याणकारी कामों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही वो आज पूरा झारखंड याद करता है। आज वो हमारे बीच में है। तैयारी क्या है नॉमिनेशन का, वहाँ पर दिखेगा इंडिया की ताकत? इंडिया की ताकत दिखे थी, इंडिया मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा, इंडिया हारेगा नहीं, इतना तय है। क्योंकि वहाँ हमारे कार्यकर्ता जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, 24/7 पार्टी के लिए काम करते हैं, वो सब पूरी तरह से तैयार है चुनाव में। और जो लोक कल्याणकारी कार्य इस सरकार ने किया है, हेमंत सोरेन जी की एक छवि बनी है, जो लोकप्रियता बढ़ी है, वो बहुत मायने रखेगा उस क्षेत्र में। और पिछली बार जितने अंतर से हम लोगों ने हराया था, उससे दुगने ज़्यादा मतों के अंतर से हमारी कैंडिडेट जीतेंगे, इतना नामांकन का 17 तारीख का डेट जहाँ तक मुझे पता है। और पूरी तैयारी के साथ, पूरे धूमधाम से क्षेत्र की जनता तैयारी कर रही है। पार्टी तो छोड़ दीजिए, पार्टी की तैयारी तो है, क्षेत्र की जनता भी तैयारी कर रही है। अभूतपूर्व नॉमिनेशन होगा।